नमस्कार मैं हूं सौम्या राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं आज हम अपनी टीम के साथ कुमरार के विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां बहुत सारे मतदान केंद्र हैं लेकिन वोटिंग करने आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग यहां कितनी संख्या में आए हैं यहाँ कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे हम आपको दिखाएंगे की कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत से सर्कल्स भी बनाए गए हैं आपको बता दूं कि आज बिहार में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और आज चौदह सौ तिरसठ प्रत्याशियों के लिए यहाँ के लोग वोट डालने वाले हैं आज बहुत बड़, बड़े बड़े दिग्गज जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष है वो बाकीपुर की सीट से मैदान में है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सीट हसनपुर भी आज दाव पे है और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की सीट पे भी आज चुनाव होने वाले है यहाँ देख रहे देख सकते हैं कि सर्कल बनाए गए हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए है लेकिन एक बात और है कि ये सर्कल पे खड़े होने के लिए कोई लोग ही नहीं है वहाँ में कुछ व्हील दिखाई दे रही है तो चलिए यहाँ के अधिकारियों से पूछते हैं कि इन की इन... इंतजाम किसके लिए किया गया है सर ये व्हील जो है ये किसके लिए है यहाँ पर ये हमारे मतदान केंद्र पर जो वृद्ध असहाय जो चलने में असमर्थ है वैसे वैसे मतदाताओं के लिए व्हील चेयर का व्हील चेयर का इस्तेमाल करने के लिए और उनको मतदान तक कर, करवाने तक पहुंचा करके और सुरक्षित मतदान से बाहर करा करके बाहर लाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है सुबह से ऐसे कितने लोग आ चुके हैं जिन्होंने इस व्हील केयर का इस्तेमाल किया है अभी तक तो हमारे मतदान पर लगभग चालीस पचास आ चुके हैं आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव वोट देने आए लोगों की भीड़ है वो पिछले बार के चुनाव के मुकाबले कितनी है अब तो ये रेशियो मैडम अनुपात तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ मगर पहले पहले के अपेक्षा समथिंग है समथिंग है चलिए वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम बहुत सारे आ, पोलिंग बूथ पर गई थी और हमने सोचा था कि हम वहाँ मौजूदा लोगों से बातें करेंगे तो चलिए मैडम आपने वोट डाल दिए जी इस बार आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है बेरोजगार जो है बेरोजगार के स्टूडेंट के लिए जब सब बैठा हुआ स्टूडेंट के लिए आप एक बात बताइए मुझे बिहार में कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति है तो क्या आप लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया है नहीं जाति के नाम पर नहीं दिया विकास से, से, से हमको मतलब है जाति से हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है आपको क्या लगता है पिछले पाँच साल से जो सरकार बिहार में थी उसने विकास के लिए काम किया है जी विकास किया है बिजली सब कुछ दिया बहुत अच्छा किया है तो चलिए ये थी कुछ लोगों की राय अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब हम खड़े हुए हैं कुछ प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करते हैं जी तो मैडम आप मुझे ये बताइए कि इस बार हर बार क्या, पिछले चुनाव के मुकाबले कितने ज्यादा लोग आए हैं कितने कम लोग आए इस बार वोट डालने अभी तक तो कम से कम सत्तर अस्सी आए हैं मेरे बूथ पर आप उधर आए हैं उनके बारे में पता नहीं है तो आपको क्या लगता है पिछले चुनाव के मुकाबले कम है या ज्यादा ज्यादा ही हो सकते हैं अच्छा चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था हो रही है मुझे और ये सब कुछ दिख रहा है, है। मास्क देने की व्यवस्था नहीं है नहीं मास्क देने की तो व्यवस्था नहीं लेकिन उनको बोला जाता है की पहले मास्क लगा के आई एक गाइडलाइन आई थी जिसके मुताबिक चुनाव पोलिंग बूथ पर मास्क का होना भी अनिवार्य था ताकि ऐसे जो लोग है जो मास्क देने वोट करने आए उन्हें पोलिंग बूथ पर मास्क दिए जा सके लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सैनिटाइजर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए चीजें हैं ग्लव्स है लेकिन मास्क की यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है चलिए अब हम अगले बूथ पर चलते हैं